वहीं से ऑर्डर करता हूँ। चलो भाई साइलेंस साइलेंस फ्रेंड्स। रोल कैमरा कैमरा रोलिंग एक्शन। गणपति बप्पा बोलिया, मंगल मूर्ति बोलिया। गणपति बप्पा चलिए मीठा खाइए। गणपति बप्पा क्लैप। क्या नाम है? बी यूनाइटेड किंग सिटी मॉरट शॉट। क्लैप एक्शन। थैंक यू सो मच। ये तो तपना था बुद्धा उठाई नहीं। ये तो तपना था। मन आए घोड़ा खरीदने के लिए। लता ये तो तपना नहीं था, ये तो तपना रो गया। ये बुद्धे अपना रुकना।
ऐसा लगा कि यहाँ पे और जो निर्देशक हैं, निर्माता हैं और जो कलाकार हैं, सब अनुभवी कलाकार हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि साहिल इज़ वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग एंड ये प्रोजेक्ट सोचा है तो ज़रूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा और आई होप द प्रोड्यूसर्स, आई थिंक उनकी फर्स्ट वेंचर है तो विश एवरीबडी अ ग्रेट सक्सेस और मैं चाहूँगी कि इनका जो इनकी मेहनत है वो रंग लाए और एक अच्छा प्रोजेक्ट बनकर पब्लिक के आगे आए। मैम अभी सिनेमा जगत में काफ़ी सालों से हैं, आज के दौर में काफ़ी बदलाव आया है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, तो उस बदलाव के बारे में कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बदलाव आया है नेचुरली, एक सिनेमा का पूरा टेक्निकल वही बदल गया। मैंने अभी लेटली अपनी फिल्म रिलीज़ की थी और अमेजोन पे अभी स्ट्रीमिंग है, Z5 पे भी खुल रही है, तो फिल्म का टोटल मेरे टाइम्स का जो है यू नो टोटल बदल चुका है। एवरीथिंग इज़ सो डिजिटल नाउ एंड एवरीथिंग इज़ सो एंड बट मुझे एक बात की खुशी है, बहुत खुशी है कि हमारे टाइम पे जब फिल्म्स थी तो या दूरदर्शन सीरियल्स थे बस और नहीं था इतना कुछ, लेकिन अब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आई थिंक ऑल आर्टिस्ट ऑल टेक्नीशियंस आर ऑक्यूपाइड, ये बात की खुशी बहुत कि बट इतना है कि कॉम्पिटिटिव भी बहुत हो गया है ना जी, और अभी OTT छाया हुआ है। मैं दो चाहूँगी कि फिल्म्स भी छाए ही रहें, एक्चुअली OTT इज़ डूइंग वेल, थिएटर्स आर नॉट डूइंग वेल नाउ, ये कोविड का इफेक्ट जो हुआ है, लेकिन अभी आ जाएगा आस्ते आस्ते फिल्म्स वापस, थिएटर्स भी लोग जाएंगे, OTT तो चलता ही रहेगा बिकॉज आई थिंक इट्स यू नो पीपल फाइंड इट के घर में बैठ के देख लेते हैं यू नो एंटरटेनमेंट और पैसे कम लगते हैं तो लोग अपने वैसे मोस्टली शॉर्टकट में घर बैठे ही मोबाइल ही उनकी स्क्रीन हो गई है। नहीं, जैसा आपने कहा कि फिल्मों का दौर मतलब फिल्मों का कोविड में असर हुआ है, लेकिन पठान ने सब कुछ बदल दिया, इतना ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, कितनी अच्छी बात है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और पब्लिक भी काफ़ी उत्साहित है फिल्मों को लेकर। पठान का एक तो टाइटल, दूसरा शाहरुख खान का काफ़ी साल के बाद आना, क्या होता है कि एक कलाकार को अब बराबर बार 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 देखे जा रहे हो ना। मैं ये भी कह रही थी अभी हमारे पंजाबी सिनेमा कि अगर बहुत जल 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 दिखता है ना वो कलाकार तो उतना जाम नहीं रहता, क्यूरियोसिटी नहीं रहती, वो थोड़ा सा मतलब अगर आप टॉप पे हो तो एक गैप रख के प्रेजेंस रखिए ताकि पब्लिक कुछ आम रहे आपको देखने का। सर आप बताइए, बहुत समय दिया मैम ने, पहले तो थैंक यू सो मच मैम, मोहरत शॉट पे आई मेरे लिए, थैंक यू सो मच मैम का हमेशा सपोर्ट रहा है मुझे। और किंग स्वीटी टाइटल है हमारी ये वेब सीरीज़ का, किंग स्वीटी सनानंद जी प्ले कर रहे हैं और दयाशंकर पांडे रॉबर्ट चौरसिया का प्ले कर रहे हैं और एक कॉमेडी कॉन्सेप्ट है, कोशिश की है, कुछ डिफरेंट कॉमेडी है, सिचुएशनल कॉमेडी जो नेचुरल मतलब ये कुछ पंचेज नहीं है इसमें, ये नेचुरल कॉमेडी है जो आपको देखने को मिलेगी और कोशिश की है देखिए, और मैडम की ब्लेसिंग्स हैं और सारी टीम ऑल अ टीम वेरी वेल और सारी टीम का सपोर्ट है, कुछ कोशिश करेंगे अच्छा करने की। तो ये जानना चाहूँ क्या दिखाने की कोशिश, किस मतलब वेब सीरीज के माध्यम से कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा विषय जो कि विषय लोग परेशान हैं, दुखी हैं, थोड़ा सा हंसाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हंसाना बहुत कहते हैं मुश्किल होता है और हम चाहते हैं लोग हंसें, तो कोशिश की है थोड़ी सी हंसाने की लोगों को, तो वही देखने को मिलेगा, उसी का बस आगाज़ करने जा रहे हैं। और बाकी का शेड्यूल का कुछ बताइए कि आज तक फर्स्ट शेड्यूल है? हाँ फर्स्ट शेड्यूल है, अभी नेक्स्ट शेड्यूल है हम नेक्स्ट मंथ। मेरे लिए एक नया रोल है ये और मैं क्या किसी प्रोजेक्ट का जिम्मेदारी लूँगा, मैं हर प्रोजेक्ट्स में एक सहायक के रूप में जुड़ता हूँ, एक सहायक कलाकार के, मेरे आने से ना कोई मार्केट बदल जाती है ना कोई बदलता है, एक लंबा सा कोई घर बनता है तो उसके अंदर एक आग पिलर होता है, तो एक पिलर का हिस्सा हूँ मैं, मेरे लिए रोल नया है तो वो मेरे लिए उत्साहित है और मैं बहुत ही अपने आप को चार्जअप हूँ, भगवान करे वो रोल मेरे से अच्छी तरह हो जाए, प्रोड्यूसर जो मेरा पैसा दे रहा है उसको रात को नींद आए कि हाँ मैंने सही जगह और सही एक्टर को पैसा दिया, ये मेरा उद्देश्य है। सर पिछले दो साल से कोविड के कारण सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, तो पठान कहने से कितना लगता है कि रिवाइव फैक्टर आया है? अभी तक मैंने पठान देखी नहीं लेकिन मैं ज़रूर देखूँगा पठान, और फिल्म चलनी चाहिए क्योंकि फिल्म चलेगी तो लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने लोग जुड़े हुए हैं काम करने में, आप लोग भी किसका इंटरव्यू करोगे आप, बराबर,
आपको फिर पॉलिटिकल इंटरव्यू करना पड़ेगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा उद्योग है। और पठान फिल्म, क्या मैं कहता हूँ, हर अच्छी फिल्म चलनी चाहिए, हाँ कहानी अच्छी होनी चाहिए और फिल्म चलेगी तो एक फिल्म से 300 400 लोग जुड़े हुए होते हैं और उन सब का फ़ायदा होता है। और प्रोड्यूसर फिर अगली फिल्म के लिए पैसे लगाता है, जो बाकी के प्रोड्यूसर हैं उनकी हिम्मत बढ़ती है और हम एक्टरों को काम मिलता है, वर्करों को काम मिलता है और सबसे बड़ा रोज़गार तो बहुत ज़रूरी है ना। और इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट कर रही है? अभी मैंने 1.5 बीघा ज़मीन एक फिल्म की है, एक फिल्म अभी और करने जा रहा हूँ, एक मेरी अभी वेब सीरीज फाड़ू सोनी लिव पे आ रही है और तारक मेहता चलता ही रहता है। तो तारक मेहता का जो सक्सेस है इतना ज़्यादा, कितनी खुशी मिलती है ऐसे शो के साथ जुड़ने से? और आज के दौर में जहाँ शो चलते नहीं है उस तरह से, इतना लंबा सफ़र कैसा रहा अभी तक का? बहुत ही अच्छा लंबा सफ़र रहा, 15 साल होने आ गए शो को। दरअसल आसित मोदी जो निर्माता है, हम और वो दोनों कॉलेज में साथ में थे और हम दोनों साथ में एक्टर भी थे। उन्होंने मुझे कॉलेज में डायरेक्ट भी किया था और इस शो का मैं क्रिएटिव कंसल्टेंट भी था। उस शो बहुत ही एक्चुअली देखा जाए तो हम लोगों के विचारों का है, हम लोग इस इंडस्ट्री में रहकर भी नहीं रह पाए। हम देखते थे, मैंने और एक्टरों को और स्टारों को, तो हमको लगता था वो गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों का जीवन एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ है तो हमारी जीवन शैली भी वैसी रही है और वही विचार उस शो में डाले गए हैं जो नेचुरल हो। कभी कभी अननेचुरल सा होता है लेकिन दर्शक को थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए कहानी में ऐसा एक लाया जाता है पात्र या कोई प्लॉट ऐसा। OTT का जो चलन हुआ है उससे कितना अच्छा असर हुआ है इंडस्ट्री पे या फिर? भाई अच्छा हुआ, मैं तो कह रहा हूँ कैमरा लगा रहे पूरे देश में, एक्टर बिजी रहें और क्या बोलते हैं हर वर्कर काम करता रहे, क्योंकि OTT हो, मेरे लिए तो मैं तो इस रूप में चाहे OTT का कैमरा हो, चाहे वो फिल्म का कैमरा हो, चाहे TV का कैमरा हो, ऐसा तो कोई मापदंड है नहीं कि एक्टिंग OTT की अलग होती है और TV की अलग होती है और सिनेमा की अलग होती है। हाँ, उसके डायरेक्टर अलग होते हैं जो हमसे अलग अलग रूप में काम कराना चाहते हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूँ OTT का कोई और कोई प्लेटफॉर्म आता हो तो वो भी कर लो। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग भी कैमरा लगाए हो, हर वक्त स्किट लेकर आया करो, हमसे काम करा लिया करो और उसके पैसे दे दिया करो। साहिल जी से मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा हूँ, वो बहुत ही पैशनेट हैं अपने काम को लेकर और बहुत ही उत्साहित, और उन्होंने बहुत मेहनत से अब तक स्क्रिप्ट लिखी है। अब हमारा धर्म बनता है कि उनके लिखे हुए स्क्रिप्ट को हम उनके अनुसार अच्छे से परफॉर्म कर दें। तो प्रार्थना ये कीजिए, भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आज पहला दिन है कि उनके लिखे हुए डायलॉग और उनकी लिखी हुई कहानी को हम अच्छे से परफॉर्म करें। मेरे साथ वर्मा जी बहुत बढ़िया कलाकार, इनको तो जानते ही हैं आप। सर आपसे मैं चाहूँगा, कॉमेडी में हॉरर का तड़का लगा रहे हैं आप। हाँ, कॉमेडी में हॉरर का तड़का इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जॉनर जो है वो हॉरर कॉमेडी कहलाता है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से एक फिज़िकल कॉमेडी भी है और फिज़िकल कॉमेडी के अलावा हमारे दयानंद जी तो बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, तो ये आपको बता सकते हैं कि हॉरर कॉमेडी का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। और हम लोग तो नॉर्मली बहुत सारी कॉमिक सीरीज़ वगैरह करते रहते हैं, लेकिन ये एक नया एक्सपीरियंस है बिल्कुल। और एक ऐसा कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, एक ऐसा लुक है मेरा जो कि आज तक कभी मैंने अपने करियर में नहीं किया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपका पेट डायलॉग है उसके अरेंजमेंट चालू हुआ, इतना पॉपुलर हुआ है, हाँ उसको बताइए, उसको जरा सा अगर अपने अंदाज में बता सकते हैं तो। उस डायलॉग के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि पूरे देश में हर आदमी जो है वो मुझे आई लाइक इट के नाम से जानता है, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं लोग। बच्चे जो हैं पहले थप्पड़ खाने पर रोने लगते थे, अब वो रोते नहीं हैं, अब वो भी मुस्कुरा के आई लाइक इट बोलते हैं और टीचर बोलता है इसको क्या हो गया। तो इस तरह की क्रांति जो है वो बहुत मुश्किल से कभी कभार कोई किरदार जो है वो ला पाता है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ, ऊपर वाले की दया है, माँ का आशीर्वाद है कि ऐसा हो पाया। और अपने इस गेटअप के बारे में मैं उसी डायलॉग को कहना चाहूँगा कि आई लाइक इट।